हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू देखेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। सर्दियों का मौसम था और वक्त सुबह का था और चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा यानी कि धुम्मस वाला वातावरण, वायुमंडल। ओले या ओस का छोटा कण जो वातावरण में भाप के रूप में छा जाता है, और भ्रमण वायुमंडल, गरजना या गुर्जना मतलब कि धुम्मस वाला वातावरण सुबह सुबह में था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था। एक शेर का बच्चा था, वो गोल मटोल मटोल कर जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था। इधर भालू साहब शेर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। एक भालू साहब था। भालू यानी कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा है, सी, ये भालू है, एक प्राणी होता है भालू साहब। वो शेर के लिए निकल आए थे सुबह में, लेकिन वो आके भी पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र एक जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, अहाँ फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू साहब ने क्या किया, सुबह आके शेर के लिए आए और फिर अक्ल दौड़ाई कि यहाँ फुटबॉल है तो चलो फुटबॉल खेलकर गर्मी कुछ हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। उन्होंने कुछ देखा नहीं, आओ की ताओ की, ये शेर का बच्चा। उन्होंने शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी शेर का बच्चा भी घबरा गया। उसने हड़बड़ी में एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। उसने डाल तो पकड़ी पर जामुन की डाल वो टूट गई। जामुन की डाल भी नाजुक आती है तो वो टूट गई, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्द ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू साहब ने क्या किया, भालू साहब पछताए और उन्हें पता चल गया कि ये क्या हुआ। फिर उन्होंने जल्दी से ही अपने दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। भालू दादा को शेर का बच्चा क्या कह रहा था, मुझे आप उछालो। उन्होंने दो बार उछाला, तीन बार उछाला, लेकिन फिर वो बार बार उछालने को कह रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू साहब भी थक गए थे, क्योंकि वो बच्चा को उछालने में मज़ा आ रहा था। बच्चा क्या कह रहा था, मुझे और बार उछालो, मुझे मज़ा आ रहा है। फिर तो भालू थक गया और भालू ने कहा कि अब भी तो मुझे यहाँ से गायब होने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या लगाई, भालू साहब ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब की बार क्या हुआ, शेर का बच्चा वहाँ खेल रहा था, धड़ाम से फिर से वो पेड़ पर से नीचे गिर पड़ा। और फिर वहाँ क्या, कौन आया, वहाँ एक माली आया और माली ने शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ये तुमने क्या किया, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। वो क्या मांग रहा था, बच्चे के पास तुम लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो होने दो। मालिक ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शेर के बच्चे ने कहा कि ज़रा मैं ठीक तो हो लूँ, फिर मैं आपको हरजाना दे दूँगा। तो माली ने कहा, ठीक है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9, 2, 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने कहा, जान बची तो लाखों पाए। तो इसका सारांश क्या होता है बच्चे लोग, इसमें कि एक भालू दादा थे
और एक शेर का बच्चा था, तो वो मौसम कैसा था, सर्दियों वाला था। तो सर्दियों वाले मौसम में वो शेर के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उन्होंने फुटबॉल को समझकर शेर के बच्चा को उछाला। अभी नेक्स्ट में एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज में शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी, तो शेर के बच्चे ने जमीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा, शेर का बच्चा दहाड़ा क्यों था, डर के मारे ना भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया, तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। भालू साहब किस बात पर पछताए, भालू किस बात पर पछताया, उसका बच्चा क्या बोल रहा था, बार बार वह मुझे उछालने को कह रहा था, इसीलिए उन्होंने वो भालू साहब शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओ किस आफत में आफसा, भालू ने ऐसा क्यों कहा कि मैं किस आफत में आफसा, क्योंकि शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ, इधर आपको नंबर्स देने हैं, उलट सुलट में सेंटेंस दिए, उसको आपको सही में लिखने हैं, फर्स्ट कौन सा आता है, सेकेंड कौन सा आता है। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शेर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो फर्स्ट कौन सा आएगा, सबसे पहले भालू साहब शेर को निकले थे, फिर सेकंड में भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था। फिर भालू शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, और लास्ट में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं। बॉल यानी गेंद, गेंद यानी पैरों के द्वारा खेली जाती है। पिट्टू, टेनिस, क्रिकेट, टेबल टेनिस, टेनिस खेलते हो, क्रिकेट और टेबल टेनिस। उलट सुलट, उलट सुलट में क्या है, एक एग्जाम्पल है, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक ली, लपक दी। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, राइट या रॉन्ग का निशान लगाने का है। आप लोग ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, तो आपको राइट या रॉन्ग लगाना है। दौड़ लगाती हो, रॉन्ग। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, राइट। रजाई ओढ़ती हो, राइट। आग तपाती हो, राइट। ठंडा पानी पीती हो, रॉन्ग। गर्म पानी में नहाती हो, राइट। गर्म गर्म चाय पीती हो, राइट। आपको ये एक्सरसाइज वन टाइम अपनी आपकी फेयर बुक में लिखनी है, ओके।